दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 27 के 27 नक्षत्रों की वीडियो का सेकेंड पार्ट एक एक करके मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने जन्म के नक्षत्र की पहली वीडियो नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में जाकर देखें। और अगर आप लोग अपने जन्म नक्षत्र की ऊर्जा को एक्टिवेट करना चाहते हैं या उसकी पॉजिटिव ऊर्जा से जोड़ना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की, जो कि सेकेंड वीडियो की। देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र किस में आता है पहले आप यह समझ लीजिए। यह इसका एक चरण सिंह राशि में आता है और बाकी तीन चरण किसमें आते हैं, कन्या राशि में आते हैं। ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये मैं आपको सारी चीजें अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन अगर आप देखते हैं तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एकदम पॉजिटिव नक्षत्र होता है। इसके अंदर आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि कोई आपको विद्या प्राप्ति का काम करना हो, किसी टारगेट को अचीव करने का काम करना हो, मैरिज से संबंधित कोई बातचीत करने के लिए जाना हो, या इस नक्षत्र में आपको मैरिज करनी हो, तो इन सभी पॉजिटिव कामों के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपको कभी लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ करना है तो इस नक्षत्र में कभी भी नहीं कीजिएगा। बात करते हैं कि इस नक्षत्र की सबसे पॉजिटिव बात क्या है। देखिए, इस नक्षत्र की सबसे पॉजिटिव बात यह है कि इस नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है वो खुद अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं और अपने जीवन में जो भी पद या कोई ऊंचाई अगर वो तय कर लेते हैं तो ये उसको प्राप्त करते हैं। अब एक चीज जो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ना केवल ये खुद ही ऊंचाई पर जाते हैं, व्हाट आल्सो अगर किसी व्यक्ति को उसी तरीके की किसी मेहनत से संबंधित इनसे गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छे सलाहकार से दोते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि जो मेहनत जो ऊंचाई मैंने प्राप्त की अगर किसी और को भी प्राप्त करनी है तो उसमें भी ये पूरी तरीके से उन लोगों की हेल्प करने वाले लोग होते हैं। और ये लोग संगठन से जुड़ने के बाद भी बहुत ज्यादा वाली तरक्की करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूं तो किस तरीके का नक्षत्र है, मेहनत करके अपने टारगेट को अचीव करने वाला नक्षत्र है। अब देखिए, जिस प्रकार से हर नक्षत्र के चार चरण होते हैं उसी प्रकार से इसके भी चार चरण हैं। तो इसका जो पहला चरण है उसका जो भोग काल है, या हम लोग कहते हैं कि उसका जो पीरियड है, टोटल पीरियड क्या है, 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक इसका पूरा भोग काल है। तो पहला चरण इसका 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर और 30 डिग्री तक सिंह राशि में जाता है। दूसरे चरण की हम लोग चर्चा करते हैं तो 0 डिग्री से लेकर और 3 डिग्री 20 मिनट तक कहां चला जाएगा, कन्या राशि में चला जाएगा। पहले चरण वालों को अक्षर मिलेगा टे और दूसरे चरण वालों को अक्षर मिलेगा टो। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। देखिए, तीसरा चरण शुरू होता है 3 डिग्री 20 मिनट से और उसकी जो डिस्टेंस होती है वो 6 डिग्री 40 मिनट तक होती है। अक्षर मिलता है उसको पा, और अगर हम और ये कन्या राशि में ही होगा। और अगर हम लोग बात करेंगे इसके चौथे चरण की तो चौथा चरण 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री के बीच होता है इसका डिस्टेंस। अक्षर हो गया पी और इसका जो राशि है वो किसकी हो गई, कन्या राशि हो गई। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे बात करता हूं, इसका जो ग्रह है वो कौन है, सूर्य। अब बाकी राशि के अकॉर्डिंग और नवांश के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें होंगी वो परिवर्तित होती रहती हैं। तो देखिए, चर्चा करते हैं कि जिन जातकों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, और अब हम लोग चर्चा किस चीज की, चरण की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चरण से उनके स्वभाव में भी बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो अगर किसी व्यक्ति किसी जातक का जन्म पूर्व उत्तरा फाल्गुनी में हुआ है और उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण में हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उनको जो ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं सबसे पहले, तो इस नक्षत्र को, इस नक्षत्र का जो ग्रह है वो कौन है, वो है सूर्य। अब सिंह राशि में इसका पहला चरण है 26 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, तो वहां से इसको कौन सा ग्रह प्राप्त हुआ, वहां से सूर्य प्राप्त हुए। अब बात करते हैं नवांश चार्ट की, तो इनका जो नवांश चार्ट है वो कहां चला जाएगा, धनु राशि में चला जाएगा। तो अब आप ये समझिए कि जो नक्षत्र के ग्रह की ऊर्जा है, नक्षत्र का ग्रह कौन सा है, सूर्य, उसकी ऊर्जा को फैलाने वाले कौन कौन से ट्रायंगल नीचे वाले जो होते हैं, वो एक साइड सूर्य है और एक साइड
गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो जब इस तरीके के पहले चरण में किसी भी जातक का जन्म होगा तो सबसे पहले तो आप ये नोट कीजिए कि उसके अंदर सूर्य की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। सूर्य की एनर्जी क्या होती है, देखिए सूर्य हमें देता है आत्मविश्वास, सूर्य सरकार है, सूर्य पिता है। अगर आप सूर्य से ये सोच के चलोगे कि जो आत्मा का कारक भी सूर्य माना जाता है। अब मैं आपसे ये बात कहूंगा कि ये लोग जो भी अपना टारगेट बनाते हैं उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा, सूर्य, और उसको दिलवाने का, उसको प्राप्त कराने का अधिकार किसे है, गुरुदेव बृहस्पति को। तो यहां पर ज्ञान भी आपको मिल रहा है और अथॉरिटी भी आपको मिल रही है। तो जिन जातकों का जन्म पहले चरण में हुआ है कहीं ना कहीं वे सरकार से जुड़े होंगे, उनका जो आत्मविश्वास है वो हाई लेवल का होगा, उनके पास जो नॉलेज मतलब किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए, कहीं वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या कोई साइंटिस्ट हो, मतलब हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन के सारे के सारे द्वार मतलब रास्ते उन लोगों के लिए खुले हुए होते हैं, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं और कहीं ना कहीं किसी अच्छी जॉब को वो प्राप्त करते हैं। आईएएस ऑफिसर या किसी बड़ी कंपनी में वो सीईओ हो सकते हैं, ये एक अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, नामी ग्रामी डॉक्टर हो सकते हैं, एक अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं। ये सारी चीजें इनको कहां से मिल रही हैं, इनके पहले नक्षत्र में इतनी पावर है कि वो अपने आत्मविश्वास और अपनी मेहनत के द्वारा कहां पहुंचेंगे, अपने ज्ञान के द्वारा कहां पहुंचेंगे, जो भी उन्होंने टारगेट अचीव किया है वो उसको प्राप्त करते हैं। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि एक ही इसके अंदर आप नेगेटिव पॉइंट देखोगे, क्योंकि सूर्य का मतलब कहीं ना कहीं अहंकार से जुड़ा भी होता है। अगर प्रथम चरण वाले लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत हाइट पे पहुंच गया और मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, मेरे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो देखिए ये सूचक हो जाएगा हमारे अहंकार का। और जब भी किसी व्यक्ति की में अहंकार की भावना बढ़ जाती है तो उसका पतन होना भी स्वाभाविक है। तो यहां पर जब आपको प्रथम चरण मिला है तो आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प से जुड़ा भी रहना है, क्योंकि ये नक्षत्र क्या है, हेल्प करने वाला नक्षत्र है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जिस चरण में आपका जन्म हुआ है, आप उसकी ऊर्जा को पहचानिए। आप बड़े से बड़े पद पर भी अगर बैठे हैं, अथॉरिटी पर भी बैठे हैं, तो कहीं अगर आपकी जरूरत किसी एक साधारण व्यक्ति को भी पड़ती है तो आप उससे कभी मुख मत मोड़िए, मतलब हमेशा उसकी हेल्प के लिए अगर आगे रहते हैं तो हमेशा सूर्य कैसा रहेगा, आपका बलवान रहेगा और उधर गुरुदेव बृहस्पति आपको ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करते चले जा रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव ऊर्जा रहती है पहले नक्षत्र में। अब देखिए बात करते हैं हम दूसरे चरण की। दूसरे चरण में यहाँ क्या होता है कि दूसरा चरण चला जाता है हमारा कन्या राशि में। अब यहां पर ऊर्जा देखिए, सबसे पहले आपको ऊर्जा किस चीज की मिली, सबसे पहले ऊर्जा मिली हमें नक्षत्र की। तो नक्षत्र का ग्रह पूर्व उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र का ग्रह क्या है, सूर्य, और जो राशि हमें मिली वो है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि से हमें मिल गया बुध, और इसका जो नवांश चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो राशि में किस राशि में चला जाता है, मकर राशि में चला जाता है। अब जो ट्रायंगल बना वो कैसा है, एक तरफ सूर्य है, एक नीचे की साइड ट्रायंगल के बुध है और इधर है हमारे मकर। देखिए अगर आप इस कॉम्बिनेशन को पकड़ पाए या समझ पाए तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये पूरा नक्षत्र ही बहुत शानदार है। तो जब सूर्य की पावर, सूर्य का सिस्टम, आत्मविश्वास किसके हाथ में जाता है, बुध के पास जाता है। बुध क्या चीज है, बुध है एक दिमागदार, एक कलाकार ग्रह। यहां पर सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ, किसी भी जॉब में अगर आप जाना चाहते हो बहुत ही बढ़िया आपको जॉब मिलती है, किसी बिजनेस में जाना चाहते हो बहुत अच्छा है। अब यह मकर राशि का शनि मिलता है। देखिए मकर के शनि की एक खास बात होती है कि आपसे मेहनत तो बहुत कराएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आपने अपनी लाइफ में ये टारगेट बना लिया, मुझे नहीं पता कि आपके पास कितना पैसा है क्या है, वो बात यहां नहीं हो रही। आप किसी भी श्रेणी में आते हो और अगर आप उत्तरा फाल्गुनी के सेकंड चरण के में आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए, अगर आपने लाइफ में ये टारगेट बना लिया कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आप ये समझिए कि जो शनि की मेहनत है अगर आप उसको मेंटेन करने में लग गए, मतलब अगर आप अपने टारगेट के प्रति इतने सीरियस हैं कि आप लगातार मेहनत करने के लिए राजी हैं,
तो आपको आईएएस ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको किसी बड़े बिजनेस को खड़ा करना है, बिजनेस टाइकून बनाने देने वाला ये सेकंड नक्षत्र है, मतलब कहने का ये है कि इस नक्षत्र में आपको बिजनेस की क्वालिटी आ रही है और क्या आ रही है, मेहनत करने की। जबकि पहले चरण में उतनी मेहनत नहीं है, पहले चरण में जन्म लेने वालों को आप बस केवल क्या काम करना है कि अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है और वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन सेकंड चरण में मेहनत से ही आपको आपके पद मान प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगी। अब बात करते हैं देखिए तीसरे चरण की। जब हम तीसरे चरण की बात करते हैं तो नक्षत्र कहां चल रहा है इस समय, ये नक्षत्र चल रहा है 6 डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट के लिए। अब अक्षर आपको मिल गया पा, और आप ये देखोगे तीसरे चरण में राशि हमें कौन सी मिल रही है, कन्या राशि मिल रही है। नक्षत्र से ग्रह कौन सा मिला, नक्षत्र से ग्रह मिलता है सूर्य, राशि से क्या मिला, बुध, और इसका नवांश चार्ट में जो ग्रह मिलता है वो चला गया कुंभ राशि में। अब आप देखिए कुंभ राशि में एक्टिवेट कौन हो जाएगा, राहु हो जाएगा। मानते हैं कि वो शनि की राशि है लेकिन यहां पर जो ऊर्जा आएगी, जो ऊर्जा आपको मिलेगी वो मिलेगी राहु की। अब आपके पास पावर, आत्मविश्वास, सारी चीजें, सम्मान किस चीज का है, सूर्य का। बुद्धि किस प्रकार की है, बुद्ध की। हर चीज को पॉसिबल, इम्पॉसिबल जो भी आपको दिख रहा है आप अपनी मेहनत से उसको अचीव करोगे। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तीसरे चरण का क्या है, यहां राहु की इंस्टेंट एनर्जी भी जुड़ी हुई है। मतलब यहां पर क्या है कि मान लीजिए आपको कोई समाज में बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और आप ये सोचते हो कि अगर ये बदलाव लेकर आना है, देखिए सरकार से तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज मिल ही रही है कि चलो ठीक है आप आगे बढ़ जाओगे, सही है। लेकिन इसकी मैं विशेष बात बता रहा हूं कि अगर आपने ये ठान ली कि सरकार ने जो ये नियम बनाया है ये बिल्कुल गलत है और पब्लिक के किसी काम में नहीं आने का, मतलब ये पब्लिक के लिए नुकसान का काम है, और आप इस काम को करने के लिए निकलते हो, तो आपके साथ पब्लिक का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये तीसरा वो चरण है जिसमें बड़े बड़े नेताओं का चरण भी मैंने देखा है कि बहुत बहुत, जैसे नेल्सन मंडेला हो गया, बहुत बहुत बड़े बड़े नेता इसमें आते हैं। वो लोग होते हैं जो अपनी बात को सारे समाज में सिद्ध कर देते हैं। तो एक ऊर्जा तो आपको राहु की ये आई, इसके अलावा जब इस नक्षत्र में आपकी राहु की एनर्जी आ गई, और अगर हम इस नक्षत्र की जो ओरिजिनल ऊर्जा है उसको पकड़ते हैं, तो अगर आप मान लीजिए कोई एक अच्छे साइंटिस्ट है तो यहां पर आप नामी ग्रामी साइंटिस्ट हो गए, आपको आपके नाम से पहचाना जाएगा, इस तरीके की ये ऊर्जा आपको यहां राहु देंगे। और यहां पर राहु बहुत पॉजिटिवली आपके साथ वर्क करते हैं। तो आपके पास कोई भी आइडिया है, कोई भी सिस्टम है, अगर आप उसके ऊपर वर्क करते हो तो तीसरा चरण भी बहुत पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि पूरा नक्षत्र ही आपको पैसे से, सम्मान से, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब दिलवाने वाला नक्षत्र है। थोड़ी थोड़ी ऊर्जा उसमें चेंज होती है। अब बात करते हैं देखिए हम चौथे चरण की। तो चौथा चरण किस में जा रहा है, 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक जा रहा है कन्या राशि में। और यहां पर नवांश में उसको क्या एनर्जी मिल रही है, मीन राशि की एनर्जी मिल रही है। तो अब हम लोग देखिए बात क्या करते हैं आपसे कि ग्रह, जो हम शुरू से ट्रायंगल की बात करते हैं, तो नक्षत्र से जो हमें ग्रह मिला वो सूर्य मिला, राशि किसमें चली गई, कन्या राशि में चली गई, तो ग्रह मिला बुध। और अगर हम नवांश चार्ट की चर्चा करते हैं तो वो कहां चला गया, मीन राशि में चला गया। अब आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि जिन लोगों को ये चौथा चरण मिलता है, फोर्थ चरण अलॉट होता है, आप ये समझ लीजिए कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में जो भी व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती है उसे स्वयं भगवान करते हैं। मतलब ये एक ऐसा चरण है कि जिसमें आप प्रयास भी करोगे, मेहनत भी करोगे और आप लगातार सफलता प्राप्त करते चले जाओगे। आपसे अगर कोई ये बात पूछेगा कि आपने क्या बहुत ज्यादा मेहनत की थी आगे बढ़ने के लिए, तो आप कहोगे जी प्राप्ति ज्यादा की हुई है लेकिन इतनी मेहनत तो मैंने नहीं की थी। तो टोटल ओवरऑल ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि यहां पर आपको कम मेहनत से ज्यादा सफलता प्राप्त होने वाला ये नक्षत्र है। लेकिन इसके अंदर भी एक थोड़ी छोटी सी नेगेटिविटी है, वो क्या है कि ये राशि कौन सी है, मीन राशि है। देखिए यहां पर जब आपको नवांश की ऊर्जा
मीन राशि के बृहस्पति की मिलती है तो आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जो भी आप उपलब्धि प्राप्त करो, जो भी जीवन में कुछ भी प्राप्त करो, उसके अंदर अहंकार नहीं करना और उसको क्या समर्पित करते हुए चलो। जैसे कि ये मुझे मेरे फादर की वजह से मिली, ये मुझे मेरे भगवान के द्वारा मिली, ये उपलब्धि मेरे गुरु के द्वारा मिली, मतलब कहीं ना कहीं आप उसका क्रेडिट किसी ना किसी को देते चलिए। अगर आपके अंदर ये बात आ गई इसमें कि ये चीज तो भाई मेरे कारण से मिली, तो वहां पर क्या होता है कि ये जो ऊर्जा है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी ले आती है और व्यक्ति फिर क्या करने लगता है, कम काम करता है और वो यही सोचने लगता है मुझे ज्यादा उपलब्धि मिलेगी। तो ये पैसा कमाने वाला पूरा नक्षत्र है, नेम फेम हर चीज आपको यहां पर मिलती है। तो ये चारों के चारों चरण आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किए कि किस चरण में किस प्रकार की एनर्जी वर्क करती है। तो सब आपको देखिए समझ लीजिए सारा का सारा ग्रहों का खेल होता है, कहां आपको अथॉरिटी फर्स्ट चरण में मिलती है, सेकंड चरण में मेहनत करते हैं तो आपको तरक्की मिलती है, तीसरे चरण में आपके पास ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि जिससे आप लोगों के ऊपर छा जाते हो, चौथे चरण में काम कम करना पड़ता है और मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती, उपलब्धि ज्यादा मिलती है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर अपने आते हैं कि ये एक टॉपिक मैंने इसके अंदर दिया है कि हमारा जो नक्षत्र है उसके मित्र नक्षत्र भी होंगे, अति मित्र नक्षत्र भी होंगे, शत्रु नक्षत्र भी होंगे और अति शत्रु नक्षत्र भी होंगे। तो कंसेप्ट क्या है उसको समझना है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हम लोग व्यवहारिक रूप से जब किसी से बात करते हैं तो हम ये तो पूछते नहीं भैया आपका नक्षत्र क्या है तब हम आपसे बात करेंगे, यहां ये चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि अगर कोई हमारा मित्र है और हमें उसके नक्षत्र की जानकारी होती है तो हम एक बार ये जरूर चेक करें कि वो हमारे मित्र नक्षत्र में आता है, अति मित्र नक्षत्र में आता है, शत्रु नक्षत्र में आता है या अति शत्रु नक्षत्र में आता है। तो देखिए यहां मित्र नक्षत्र की का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि शुभ चिंतक, आप इसको ऐसे मानिए कि कभी आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि कुछ लोग आपके शुभ चिंतक होते हैं, कोई भी बात अगर आप रखते हो तो वो आपके अच्छे के लिए कामना करते हैं या आपके अच्छे आपके प्रति अच्छी सोच रखते हैं, आप इसको ऐसा समझिए। अति मित्र नक्षत्रों में जो नक्षत्र आते हैं ये आपके शुभ चिंतक की श्रेणी से बहुत ऊपर के लोग होते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये वो लोग होते हैं जिसको आपको अपने जीवन में सहज के बहुत सम्मान की दृष्टिकोण से रखना होता है। किसी भी प्रकार से अगर इनसे आपकी कोई ऊपर नीचे छोटी मोटी बात भी हो जाती है तो इनको कभी खोना नहीं चाहिए। तो ये अति मित्र क्या हुआ, शुभ चिंतक से ऊपर, मतलब जहां कभी आप अपनी लाइफ में कहीं अटक गए या आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ गया तो ये अति मित्र नक्षत्र वाले लोग वो होते हैं जिनको आप कभी भी अपनी बात बता सकते हो, वो आपकी हेल्प के लिए हर समय तैयार रहते हैं। बात कर लेते हैं देखिए आपके शत्रु नक्षत्र की। तो शत्रु नक्षत्र कौन से होते हैं, जैसे वो अति हमारे जो हमारे मित्र नक्षत्र हैं वो शुभ चिंतक नक्षत्र हैं, वो हमारे लिए शुभ सोचते हैं, तो ये जो शत्रु नक्षत्र है ये अशुभ सोचते हैं। अशुभ का मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि वो लड़ाई झगड़े वाली बात है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे हम कोई बात रखते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग सहमत होते हैं, बहुत सारे लोग असहमत होते हैं, ये ठीक है, लेकिन एक अंदर का जो भाव होता है ना कि आप जो भी कुछ कहोगे चाहे अच्छा कहो, आपने बिल्कुल ठीक कहा तब भी, और अगर आप गलत कह रहे हो तब भी हमें असहमत ही रहना है आपसे, तो ये हमारा शत्रु नक्षत्र। अति शत्रु नक्षत्र का जो बात है वो क्या है कि ये वो लोग होते हैं कि जो हर कंडीशन में आपके से शत्रुता ही निभाएंगे, मतलब इनके जो विचार है कहीं ना कहीं आपसे मेल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इनको हमने क्या रखा है, अति शत्रु नक्षत्र की श्रेणी में रखा जाता है। और कभी कभी मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अति शत्रु नक्षत्र में हम लोग विवाह के बारे में भी बिल्कुल विचार नहीं करते। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि जो इनके मित्र नक्षत्र है वो कौन से, मूल अश्वनी और मघा, मूल अश्वनी और मघा, ये आप लिख सकते हैं मूल नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र और मघा नक्षत्र इनके मित्र नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। और अगर हम इनके अति मित्र श्रेणी की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा भरणी और पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा भरणी और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र इनके अति मित्र नक्षत्र की श्रेणी में आता है। एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपसे कहा पूर्वाषाढ़ा, फिर आया भरणी, फिर आया पूर्व फाल्गुनी, तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो उसकी श्रेणी उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होता है ये इनके सबसे ज्यादा अति मित्र
नक्षत्र की श्रेणी में आता है। तो जैसे पूर्वाषाढ़ा हुआ वो मित्र हुआ आपका, अति मित्र हुआ, फिर भरणी वाले भी आपके होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अति मित्र की श्रेणी में कौन सा आएगा, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आएगा। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं, देखिए शत्रु नक्षत्र की तो विशाखा पूर्व भाद्रपद और पुनर्वसु, विशाखा पूर्व भाद्रपद और पुनर्वसु ये हमारे शत्रु नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। शत्रु नक्षत्र कभी कभी हम लोग बाधा नक्षत्र के रूप में भी गिनते हैं, जैसे कि हमें मान लो हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग हैं और हम पूर्व फाल्गुनी में कोई काम पुनर्वसु नक्षत्र में कोई काम करने के लिए निकल जाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें हमें उस काम में सफलता प्राप्त नहीं होती। कहीं ना कहीं आप इस चीज को ये जोड़ के देखोगे कि ये जो तीनों नक्षत्र हैं वो कहीं ना कहीं हमसे वैचारिक मतभेद अवश्य रखते हैं। तो अब हम लोग करेंगे अति मित्र अति शत्रु नक्षत्र के बारे में चर्चा। तो वो होते हैं ज्येष्ठा रेवती और अश्लेषा। ज्येष्ठा रेवती और अश्लेषा ये इनके अति शत्रु नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं, और अगर हम सबसे ज्यादा अति शत्रु नक्षत्र की श्रेणी में जाते हैं तो वो अश्लेषा नक्षत्र वाले लोग होते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक छोटा सा मैंने आप लोगों के सामने ये चीज रखी कि हम लोगों के यहाँ कौन सा अति मित्र नक्षत्र है, कौन सा अति शत्रु नक्षत्र है, इस तरीके की बातचीत मैंने आपसे रखी, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे जीवन साथी का चुनाव। तो बेसिकली ये जो बात है वो किन लोगों के लिए हो रही है कि जिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों का अभी विवाह नहीं हुआ है, तो वो किस प्रकार का, देखिए जब आप मेरी पहली वाली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर ये आएगा कि ये किस प्रकार की ऊर्जा के लोग होते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने आपको बताया कि हर नक्षत्र धर्म अर्थ का मोक्ष किसी ना किसी बड़े ऊर्जा से जुड़ा होता है, तो ये नक्षत्र किसी से जुड़ा है, ये मोक्ष से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। आपको मैं बताऊं क्यों हुआ ये, क्योंकि ये लोग अपने जीवन काल में काफी अच्छा धन कमाते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी कमाते हैं। फिर इनके पास क्या रहता है कि ये लोग चाहते हैं कि मैं अब आध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा उन्नति के रास्ते में चलूं, तो इस वजह से इनको ये हमें मोक्ष वाला मार्ग दिया गया। तो देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं जीवन साथी के चुनाव के लिए। अब जनरल बात क्या होती है कि हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मुझे एक अच्छी लड़की मिले, या लड़की चाहती है मुझे सुंदर पति मिले। तो यहां पर इन लोगों की जो डिमांड है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल साफ साफ बताया है कि इन लोगों को विवाह से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। देखिए विवाह से लाभ केवल मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि पता चला कि वहां से कुछ पैसे आ गए, ये नहीं हो रही, ये पैसा बहुत कमा लेंगे उसकी टेंशन नहीं होती। विवाह से लाभ मतलब कि जो इनकी जीवन साथी होगी, जो इनका स्पाउस होगा, कहीं ना कहीं उनके विचार आपस में मिलते हो, इनकी एक दूसरे से एनर्जी मिलती हो, तो आप ये समझ लीजिए ये एक और एक दो नहीं होते, वन प्लस वन नहीं होते, टू नहीं लिखा जाएगा, ये वन और वन इलेवन वाला कॉम्बिनेशन यहां पर होता है। तो अगर आप लोग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए मतलब विवाह के वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो इनके लिए अच्छे अच्छे नक्षत्र कौन से, देखिए रोहिणी नक्षत्र इनके लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है, मृक्षरा नक्षत्र इनके लिए अच्छा नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी इनके लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र इनके लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा दोनों नक्षत्र इनके लिए बहुत अच्छे नक्षत्र है। अब बात करते हैं कि इन सब में सबसे बेस्ट नक्षत्र कौन से हैं, जिनकी आप इंतजार कर रहे हो वो कौन सा है, पूर्व फाल्गुनी और अनुराधा नक्षत्र इन सब नक्षत्रों में भी सबसे बेस्ट साबित होते हैं उत्तरा फाल्गुनी वाले लोगों के लिए। तो अब देखिए रोहिणी वाले भी होंगे अच्छे हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इनका चलता है, मृक्षरा के साथ भी अच्छा चलता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी ना कि मित्र और अति मित्र, तो अगर हम मित्र नक्षत्र की बात कर रहे थे, अति मित्र की बात कर रहे थे, तो वहां पर कौन सा मैंने आपको बताया, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र इनके अति मित्र की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम इतने सारे नक्षत्रों को अच्छा नक्षत्र बता रहे हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा चांस मिलता है कि उत्तरा फाल्गुनी वाले व्यक्ति की शादी या तो पूर्व फाल्गुनी वाली लड़की से हो या फिर अनुराधा नक्षत्र वाली लड़की से हो, तो इस तरीके की बातचीत इन सब नक्षत्रों में भी बेस्ट नक्षत्र होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे आद्रा है या फिर कुछ स्वाति है, कुछ वो भी अच्छे नक्षत्र हैं, वो बात करते हैं कि फिर हमारे ग्रह वगैरह किस तरीके से बैठे, वो सब मैच करते हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ये कहना चाहूंगा कि इनका विवाह जो है बहुत सोच समझ के करना है। देखिए विवाह से लाभ, ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र किसका है, विवाह से लाभ होने वाला नक्षत्र है। तो जब हम एनर्जी मैच करके शादी करते हैं
लाभ जब ही तो होगा, और आप उस छोटे लाभ के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िएगा कि पता चला कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है जी हम आपको इतना पैसा दे देंगे। ये सब बहुत छोटी बातें होती है, कितना कोई किसको दे देता है कुछ नहीं होता, लेकिन आप ये समझिए कि अगर हम जीवन साथी बढ़िया लेकर आते हैं जिसे हमें साथ लेकर चलना है तो वो हमें जरूर सोचना है उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए। तो नेक्स्ट चर्चा देखिए हम लोग आपसे करेंगे कि नौकरी का चुनाव, व्यवसाय का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए। तो ओवरऑल नक्षत्र को अब आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि नक्षत्र किस प्रकार का है, मेहनत से अथॉरिटी प्राप्त करने का, कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ने का, प्राइवेट जॉब में भी है तो कहीं ना कहीं किसी अच्छे सीईओ वगैरह के पद पर आप होगे या अच्छे इंजीनियर होगे, अच्छे डॉक्टर होगे, मतलब कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि आप जहां पर भी होगे अपना नाम करोगे, पहली बात इससे जुड़ी हुई है। अब इसके साथ जो बहुत सारे बिजनेस जुड़ते हैं या सर्विस जुड़ती हैं तो देखिए उसमें क्या है, तो ये उत्तरा फाल्गुनी वाले नक्षत्र वाले जो लोग हैं, अगर देखिए किसी मैरिज काउंसलिंग जैसे बहुत सारे क्षेत्र आपने देखे होंगे, शादी.com और ये सब चीजें, तो ये बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं शादी से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि किसी भी शादी का मैनेजमेंट इनके हाथ में दिया जाता है, ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो ये भी आपकी लाइन हो गई। अब बात करता हूं मैं आपसे देखिए पहले चरण के हिसाब से, तो पहला चरण हमारे को क्या देता है, सूर्य, सूर्य और बृहस्पति, तो यहां पर ये एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, अपनी बात को रखने वाले हो सकते हैं, किसी अच्छे ऑफिस में सलाहकार हो सकते हैं, देश विदेश जैसे मैंने आपसे बोला ना सरकार से जुड़े हुए, तो ये लोग किसी मंत्री के पीए हो सकते हैं। इस तरीके के अच्छी अथॉरिटी पर पहुंचने वाली क्षमता किसकी है, पहले नक्षत्र की, पहले चरण की। दूसरे चरण की हम लोग बात करते हैं, वे लोग क्या करेंगे अपनी मेहनत से, देखिए यहां मेहनत से जॉब की बात हो रही है पहली बात, तो जॉब अगर ये बड़ी डिसाइड करते हैं तो ये बड़ी मेहनत करेंगे और सफलता प्राप्त कर लेंगे। अब वो चाहे आईएएस ऑफिसर हो, पीसीएस ऑफिसर हो, इस तरीके की जॉब में ये चले जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई ग्रह थोड़ी कम डिग्री या थोड़ा कम पोजिशन में भी है तो भी ये कोई अच्छे टीचर या कोई अच्छे मतलब क्लर्क वगैरह या अकाउंट से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उसमें बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तीसरे चरण की देखिए हम लोग जब चर्चा करते हैं तो तीसरे चरण में हमें क्या मिला था, वहां हमें वहां पर राहु की प्राप्ति हुई। तो देखिए जहां पर राहु का मतलब सूर्य, बुध और राहु, राहु हमारे कुंभ से आ रहे हैं, तो बात करते हैं जब हम इनके तीसरे चरण वाले लोगों के लिए, तो जितने भी आप लोग सोचते हो ना कि ये ऐप बनाना या सब चीजें मतलब इंजीनियर से जुड़ा हुआ कोई काम, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब चीजों से जुड़े हुए काम, इसके अतिरिक्त पब्लिक में नेता बनना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मुझे नेता बनना है, तो ये नेता बनने वाली जो क्वालिटी है वो तीसरे चरण में होती है, तो ये भी इनके लिए एक बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है। किसी साइंस के किसी भी डिपार्टमेंट में ये रिसर्चर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं तीसरे चरण के लिए, ये बात है। और हम लोग बात करते हैं चौथे चरण की, तो देखिए जितने भी प्रकार के एनजीओ आते हैं या जितनी भी प्रकार की ऐसी चीजें आती हैं कि जो समाज को सेवा का काम करती है, तो ये चौथे चरण वालों के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। चौथे चरण वाले एक अच्छे सलाहकार भी होते हैं, किसी भी बात को अपनी रखने का ढंग इनका बहुत अच्छा होता है, पैसे की इस पूरे पहले से लेकर चौथे चरण तक कोई कमी वाली बातचीत नहीं होगी, मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको इसमें सब मिलनी मिलनी। तो आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए, जो जो चीजें मैंने आपको बताई आप उसमें भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये नक्षत्र अगर आप लोग मेहनत करते हैं, इसको सिस्टमेटिक ढंग से लेकर चलते हैं, अगर आपका चंद्रमा यहां से गोचर करता है तो ये एक बेस्ट नक्षत्रों में एक नक्षत्र माना जाता है। तो देखिए आप लोगों के लिए पूरा का पूरा मैंने अपनी एक वीडियो आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखे, आपको कैसे लगे बताइएगा, कोई ना कोई कमेंट कीजिएगा, पता चलता है कि हाँ वीडियो आप देख रहे हैं, अंत तक देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।